दोस्तों आज हम आए हुए हैं किशोर सागर तालाब पे, जो आप देख रहे हो कि जलकुंभी ने इसे बिल्कुल एक नाला बना दिया है। इसकी सफाई हो नहीं रही टाइम टू टाइम, जो कोटा के सेंटर में होते हुए भी जो टूरिस्ट का काम करता है, टूरिज्म पैलेस का कोटा में, उसको एकदम नाला बना के रख दिया है। और आप देख सकते हो कि पब्लिक ने भी एक गलती है इसके अंदर, बिल्कुल आप देख सकते हो कि इसके अंदर कचरा पटक रखा है, आप देख सकते हो। तो ये है किसकी गलती, क्या इसके लिए फंड पास नहीं हो रहा? यदि फंड पास हो रहा है तो इसकी सफाई क्यों नहीं हो रही टाइम टू टाइम? इसको इतने दिन हो गए, अलग अलग जगह से इसकी आवाज़ भी उठी है और बोला जाता है कि कोटा क्लीन हो, नंबर वन सिटी में आए, क्लीन सिटी में। क्या इन चीज़ों से देखते हुए हमारा कोटा कभी नंबर वन सिटी में आ सकता है, क्लीन सिटी में, ग्रीन सिटी में? इतनी गंदगी कर रखी है, जलकुंभी साफ हो नहीं रही, सेवन वंडर पार्क जिसका नाम चलता है, फिल्मों में आ चुका है, लेकिन उसके पास में ऐसी हालत जब देखने को मिलती है तो बड़ा दुख होता है। और मैं पब्लिक से भी आग्रह करना चाहूँगा कि कचरे वाली गाड़ी आती है तो उसके अंदर डाला जाए कचरा, ना कि किशोर सागर तालाब के अंदर जो ये थैलियाँ भर भर के लाई जाती हैं उसके अंदर डाला जाए।